हेलो स्टूडेंट्स, सूर्य वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ उड़ान के बारे में। इसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, Since the earliest times, Hymen have dreamt of conquering the skies, कहता है कि आरंभ से ही मनुष्य ने आकाश के ऊपर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं। कंकरिंग का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, स्काइज होता है आसमान। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियाँ दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वह अपने भय के ऊपर कैसे विजय पाता है। सेकंड जो पार्ट है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टोरम क्लाउड्स, एक पायलट तूफानी बादलों में खो गया है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है। यस चिल्ड्रन, फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, ये हम अभी पढ़ेंगे। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज, कहता है कि एक युवा समुद्री पक्षी अपने चट्टान के उभरे हुए भाग के ऊपर अकेला बैठा था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर के दूर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और किसी प्रकार जब वह चट्टान के उभरे हुए भाग के किनारे की ओर थोड़ा सा दौड़ करके गया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने प्रयास किया उड़ने का अपने पंखों के द्वारा, और अपने पंखों से उड़ने की कोशिश की तो ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, और ग्रेट का अर्थ होता है बड़ा, महान, एक्सपेंस होता है फैलाव, सी होता है समुद्र, और नीचे सागर का महान विस्तार फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और यह बहुत लंबा मार्ग था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने महसूस किया कि उसके पंख उसका साथ नहीं दे पाएंगे। उस समुद्री पक्षी ने यह महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और उसने अपना सिर झुकाया और दौड़ करके शिलाफलक के नीचे छोटे बिल में लौट गया और वापस दौड़ करके शिलाफलक के नीचे दौड़ करके वापस लौट गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जिस जगह वह रात्रि को सोया करता था वहाँ पर वापस चला जाता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, और आगे कहता है कि जब उसके दोनों भाई और छोटी बहन अपने पंखों को फड़फड़ा करके दूर गए थे। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिसके पंख उसके पंखों से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, दौड़ करके किनारे की तरफ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और वह साहस जुटाने में असफल रहा। करेज होता है साहस, टू टेक दैट प्लंज होता है उछलना, विच अपीयर जो उसे दिखाई दिया, सो डेस्परेट होता है निराशा, और जिनके पंख कहता है कि निराशाजनक, और जो काम उसे बहुत निराशाजनक दिखाई दे रहा था, डेस्परेट होता है निराशा, और
जो काम उसे बहुत निराशाजनक दिखाई दे रहा था, आगे है बच्चों, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कहता है कि उसके माता पिता सैर करके वापस लौट आए थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और वे चीख चीख करके पुकार रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, उसे डांट डपट कर रहे थे, थ्रेटनिंग, उसे धमका रहे थे, टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज, कि लेज होता है सिलाफलक, वे उसे सिलाफलक पर भूखा मरने को छोड़ देंगे, और ही अनलेस जब तक ही फ्लू अवे, अगर वह उड़कर नहीं गया तो उसके माता पिता उसे सिलाफलक के ऊपर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपनी ज़िंदगी के लिए वह वहाँ से हिल भी नहीं सका, परंतु अपनी ज़िंदगी के लिए वह वहाँ से ही कुड नॉट मूव, मूव का अर्थ होता हिलना, अपनी ज़िंदगी के लिए वह वहाँ से हिल नहीं सका, दैट वॉज 24 hours ago, यह 24 घंटे पहले की बात थी, सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया था, द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले वह सारे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कहता है कि एक दिन पहले वह सारे दिन अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के संग यहाँ वहाँ उड़ते हुए देख रहा था, जो परफेक्टिंग का अर्थ होता है कुशल बनाना, जो कुशल बना रहे थे उन्हें उड़ने की कला में, टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, वेव्स होती हैं लहरें, और उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे तरंगों को सप्रस करते हुए उड़ते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए किस प्रकार गोता लगाया जाता है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव मीन गोता लगाना, फिश होती है मछली, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचिंग हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवर इट, और आगे कहता है कि उसने मछली को पकड़ते हुए, हेरिंग जो है मछली का नाम है, हेरिंग मछली को पकड़ते हुए तथा एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर निगलते हुए देखा था, चट्टान के ऊपर खड़े होकर के उस मछली को निगलते हुए देखा था, और आगे है बच्चों, स्टैंडिंग मीन खड़ा होकर के, एक चट्टान के ऊपर खड़ा होकर के निगलते हुए देखा था, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता प्रसन्नता से गर्वित होकर के आवाज़ करते हुए उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, सर्कलिंग का अर्थ होता है चक्कर लगाना, और एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टांटिंग हिम विद हिज, आगे है बच्चों, और सामने की चट्टान की ढलान के बीच में जो बड़ा पठार पर पूरा परिवार सारी सुबह उसकी कायरता के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहे, और द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, असेंडिंग का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठना, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और चमक रहा था, जल रहा था सिलाफलक के ऊपर, लेज होता है किनारा, दैट फेस द नाउ साउथ, और अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था तथा उसका प्रकाश उस शिलाफलक के ऊपर चमक रहा था जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था, ही फेल्ट द हीट, और उसने गर्मी का अनुभव हुआ, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, गर्मी का अनुभव हुआ क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और आगे है बच्चों, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, तब उसे सिलाफलक के दूसरे किनारे के ऊपर कहता है कि
ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. वह धीरे से उस शिलाफलक के किनारे के ऊपर गया एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और उसने स्टैंडिंग ऑन खड़ा होकर के एक टांग के ऊपर विद द अदर लेग हिडन अपनी दूसरी टांग को छिपाते हुए अंडर हिज विंग अपने पंखों के नीचे. ही क्लोज वन आई, उसने अपनी आँख को बंद किया. देन द अदर, तब दूसरी आँख को. एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लिप.